राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर बिहार के सभी जिलों में कोरोना महामारी संकट से निपटने में नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हमारे सहयोगी रतन कुमार के अनुसार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि राज्य में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर की हालत बेहद खस्ता है। जहां लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए, वहीं सुविधा के नाम पर खाना पूर्ति की गई है। जबकि क्वारंटाइन सेंटर से खबर करने वाले मीडिया कर्मियों पर भी नीतीश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्र लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर आज कोरोना महामारी संकट काल से निपटने में नाकाम नीतीश सरकार द्वारा मीडिया कर्मियों पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ कैद है मीडिया, जनता है विवश, बैठे धरना पर मनाए काला दिवस का कार्यक्रम आज पूरे बिहार के सभी जिलों में किया जा रहा है। उसी राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग कटिहार जिला में भी जिला कार्यालय में रालोसपा साथियों के साथ मुंह पर काला पट्टी बांध करके काला दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। आज हम लोगों की 5 सूत्री मांगे हैं, जिसमें 5 सूत्री मांगे हैं जिसमें बिहार से बाहर फंसे मजदूरों जो घर वापसी चाहते हैं को बुलाने की त्वरित कार्रवाई की जाए तथा जो स्वेच्छा से बाहर ही रुकना चाहे उनके खाते में उतनी रकम डाल दी जाए जितनी उनको ट्रेन से लाने, क्वारंटीन सेंटर के अंदर करने आदि पर खर्च हो जाता है। यह खर्च सरकारी आंकड़े व घोषणाओं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पर कम से कम 10,000 रुपया का होता है, अर्थात प्रति व्यक्ति 10,000 की राशि सभी के खाते में डालने की व्यवस्था की जाए। बिहार में रह रहे वैसे लोग जिनके खाते में अब तक मात्र 1,000 रुपया दिया गया है उनके खाते में पुनः शीघ्रतासीघ्र दूसरी राशि उपलब्ध कराई जाए। तीसरा, राज्य में रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ठोस योजना बनाई जाए। 4, किसानों के नुकसान की भरपाई हेतु ठोस पर्याप्त एवं त्वरित कार्रवाई की जाए। 5, में क्वारंटीन सेंटर से खबर संग्रहित करने से मीडिया कर्मियों को प्रतिबंधित करने के लोकतंत्र विरोधी आदेश को अविलंब वापस लिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के आज हम लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज बिहार सरकार अपने तंत्र को चलाने में नाकामयाब हो चुकी है। हर जगह आज क्वारंटीन सेंटर को देखा जाए तो बदहाल स्थिति हो गई है। आज कटिहार के ऋषि भवन से जो पिछले दिनों जो यहां से भागा गया वह इनकी कुव्यवस्था का परिचय देता है। इन्हीं शब्दों को लेकर के आज हम लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। उमाकांत आनंद, जिला अध्यक्ष राष्ट्र लोक समता पार्टी कटिहार। हमारी पार्टी तो इस पे विरोध कर ही रही कि इस तरह में अभी बिहार सरकार द्वारा कुछ भी सोचा नहीं गया, ना कुछ किया जा रहा है, ना उस मजदूरों को कुछ मिल रहा है, ना भाड़ा किराया कुछ नहीं, लोग पैदल चल चल के आ रहे हैं। उसके क्वारंटाइन भी जो बनाया गया है उसमें भी कोई किसी तरह का मतलब उस व्यवस्था नहीं है, विधि व्यवस्था सही नहीं है। इस पे हमारे नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जिला प्रशासन तो खैर लगी हुई है, वो भी जो है कि अपना परिचय। मैं सुबोध सिंह, युवा कार्यकर्ता कटिहार बिहार। सपा कार्यकर्ता के द्वारा अपने चेहरे पर काला पट्टा लगाकर काला दिवस मनाया। क्या चीज के विरोध कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार मीडिया वालों को क्वारंटाइन सेंटर जाने से रोक रहे हैं, यह बिहार के जनता के साथ धोखा फरेब है। आप जनता का जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें पारदर्शिता लाना अति आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ आज माननीय रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के निर्देशानुसार पूरे बिहार में रालोसपा कार्यकर्ता के द्वारा अपने चेहरे पर काला पट्टा लगा के काला दिवस मनाया जा रहा है। लगातार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के द्वारा अपनी आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। हमारे बिहार के जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उन लोगों का आवाज़ लगातार युवा लोक समता के द्वारा उठाया जा रहा है। और जिस तरह से मजदूर पैदल चलकर आ रहे हैं,
बिहार सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए, उन लोगों को बस के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से उन लोगों को उनके निज स्थान तक पहुंचाना चाहिए। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम मोनू चौधरी हुआ, युवा लोक समता का जिला अध्यक्ष।